الحمد لله. الحمد لله دحين فتحنا المحل هنا بكراتشي باسم مستر عرب بالشاورما مع الفحم. अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं मिस्टर अरब में जो कि जमशेद रोड में वाक़े है और इनकी स्पेशलिटी मुख्तलिफ अकसाम के शवारमे हैं। और इनका जो हमने लोगों से मालूम हुआ, जो लोगों से विज़िट हुआ कि आप लोग मिस्टर अरब में आएँ, मिस्टर अरब रेस्टोरेंट में आएँ और इनके शवारमे के बारे में जो है व्यूअर्स को बताएँ, तो हम आज यहाँ पर विज़िट किया हमने मिस्टर अरब रेस्टोरेंट। तो हम इनके मुतालिक शवारमे के मुतालिक हमने जब मालूमात हुई कि चार कोल शवारमा जो कि पाकिस्तान में सबसे पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, इनके पास शवारमे के मुख्तलिफ किस्म के अकसाम हैं, डिफरेंट वैरायटीज, डिफरेंट टाइप्स मौजूद हैं। और आए इनसे बात करते हैं, इनके ऑनर से बात करते हैं, ये कितने सालों से ये प्राइस और अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का करम। सर ये बता दीजिएगा आपका नाम क्या है? सर अली अब्दुल्ला। सर ये बता दीजिएगा आपका जायका जो है दूसरे शवारमे से क्यों मुख्तलिफ है, क्यों मुनफरिद है? मुनफरिद यूँ है कि ये जो शवारमा हम लोग बना रहे हैं ये एक्चुअली शवारमा चारकोल पे बनता है, बारबेक्यू की तरह लाइक ग्रिल करते हैं इसको ना। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराने वाले हम पहले हैं, ये मिस्टर अरब जो कि हमने 2019 में यहाँ पे लॉन्च करा था। सऊदीया से आए हम लोग, खुद वहाँ की पैदाइश हैं, वहीं पे पले बड़े हैं, बस एक्चुअली वहाँ से यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। तो यहाँ आने के बाद हमने इस चीज़ को फाइंड आउट करा कि शावरमा जो यहाँ पर दिया जा रहा है वो एक्चुअली शावरमा अगर है भी तो लेकिन वो सालन की तरह देते एक तरीके से, ऐसे स्पाइसी ज़्यादा कह लें। तो हम अरबिक अंदाज़ में इसको लेके आए जो कि नॉन स्पाइस और स्पाइसी जो यहाँ के लोग मांगते हैं उनके लिए ऐड करके दी जाती है। जो अथेंटिक अरबिक है वो तो विदाउट स्पाइस होता है। सर कुछ अरबी में बोल के दिखा दें। अरबी में क्या बोले, कोई बात करने वाला हो तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की बताए मौलिद सऊदी उलिद नहनाक वशनाक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दहन फतहन अलमहल हैना कराची बेसम मिस्टर अरब मशावर मा अलफहम। अच्छा इसका मतलब बता दीजिएगा सर। मैंने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सऊदी अरब से हैं, वहाँ की पैदाइश हैं और यहाँ के हमने कराची में होटल ओपन करा है जो कि मिस्टर अरब के नाम से, ये अरबी में ऐसा कुछ है डिफरेंट है, यानी हमने इसमें किस्में बनाई हुई हैं, शावरमा सारूख और अरबी पिज़्ज़ा शावरमा, चार किस्में हैं। सर आपकी स्पेशलिटी क्या है शावरमा की, आप किस क्यों मुनफरिद हैं, किस वजह से मुनफरिद हैं? कि ग्रिल शावरमा है, शावरमा चारकोल पर है जो कि आई थिंक यहाँ कराची में औरों के पास नहीं होगा, ये लाने वाले भी हम। तो जैसा कि आपने मुझे बताया था पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाने वाले ही आप ही हैं, तो आप मुझे बताइएगा ये क्या सोच थी आपकी जिसकी वजह से इंट्रोड्यूस करवाया? इंट्रोड्यूस यूँ कराया कि सऊदीया में हम लोग ये खाते थे और यहाँ पर आके ये चीज़ देखी कि बिल्कुल भी नहीं है, तो हमने ये चीज़ यहाँ पर लॉन्च करी अल्हम्दुलिल्लाह और सोचा कि यहाँ पर क्यों ना कोई डिफरेंट चीज़ होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, तो इस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह काम स्टार्ट करा इस पर। अच्छा सर ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह सिस्टम मौजूद है आपके पास? ऑनलाइन फूड पांडा के ज़रिए भी है और अपने हम लोग ऑन कॉल भी डिलीवरी करते हैं। सर अपना कंप्लीट एड्रेस सर बता दीजिएगा हमारे व्यूअर्स को ताकि आराम से इजी यहाँ पे पहुँच सकें और विज़िट कर सकें और आपको सपोर्ट कर सकें इस वजह से। जमशेद रोड पर है ये, जमशेद रोड नियर गुरु मंदिर, मेन जमशेद रोड पर, न्यू टाउन मस्जिद के अपोजिट बिल्कुल जमशेद रोड। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ये अभी ये शावरमा अरबी बना रहा हूँ और छः शाहरुख बना रहा हूँ आपके लिए। अरबी जो है इसमें चिकन जलेगा और चिकन के साथ सॉस के साथ ऐड होगा, और ये शाहरुख है इसमें फ्राइज ऐड होते हैं और चिकन और सॉसेस।
जी। कितने टाइप के शावरमा है आपके पास? हमारे पास तकरीबन 5-6 किस्म है शावरमा के। आपकी महारत किस्म है? शावरमा चिकन एक ही होता है, वो चारकोल में होता है जो शावरमा होता है। ठीक है, आप हमें बना के टेस्ट करवा देंगे? जी दोस्तों, आज हमने मिस्टर अरब का शावरमा टेस्ट किया, इंतहाई मज़ेदार, इंतहाई यमी सा था। और आप भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा, क्योंकि सऊदीया की चीज़ अगर कराची में मिल जाए तो क्या ही बात है। तो हम मज़ेदार वीडियो से जुड़कर रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि खाने की ज़िंदगी फूड लाइफ की वीडियो को देखते रहे। आज की वीडियो का यहीं इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया आप लोगों के देखने का।